हाय दोस्तों, दिस इज़ हबीब। तो आज मैं फिर से नई रेसिपी के साथ आया हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन। तो ये यहाँ किर्गिस्तान का चाउमीन है पैकेट में, और उसके लिए हमने एक टमाटर, एक बड़ी प्याज, दो आलू, एक कैप्सिकम शिमला मिर्च, हल्की सी मीट ले लिया हूँ, और ये बोली। तो चलिए हम अब बनाते हैं। तो मैंने एक बर्तन ले लिया, जिसमें छोटी सी बर्तन है कढ़ाई, और ये पानी उबालने के लिए मैंने अलग से ले लिया है दूसरा, जिसमें मैं चाउमीन को उबालूंगा। तब तक हम अब इसमें अपना ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ये लोकल स्टाइल में है दोस्तों, जो लोकल जिस हिसाब से खाते हैं। तो आइए, तेल गर्म हो चुका है हमारा पहले से, क्योंकि तेल ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है। तो अब हम इसमें हल्की सी जीरा डालेंगे। तो दोस्तों, जीरा हमने इसमें डाल के मैंने तुरंत बकरे का मीट डाल दिया। तो मटन डालने के बाद हम इसे कुछ देर तक पका लेते हैं। तो 2 मिनट मटन डालने के बाद मैंने अब आलू को और बोरी को भी डाल दिया है। तो मटन हमारा छोटा छोटा पीस हो गए हैं, तो जल्दी गल जाएंगे। हल्की सी ब्राउन होने तक हम इसे पकाते हैं। तो दोस्तों, हमारा हल्की सी ब्राउन कलर आ गई है प्याज में। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो दोस्तों, हमारा प्याज हमने इसमें डाल दिया। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं कुछ और देर तक, ताकि हमारा ये जो प्याज है कलर छोड़े। तो दोस्तों, 2 मिनट के बाद हमारा प्याज कुछ इस तरह से हल्की सी कलर छोड़ रहा है। तो हमें ज़्यादा भी इसे पकाने नहीं है प्याज को, क्योंकि जब हम चाउमीन खाएंगे तो सब चीज़ दिखना भी चाहिए और इसका स्वाद भी आना चाहिए। तो अब हम शिमला मिर्च डालेंगे। तो दोस्तों, हमारा कैप्सिकम हमने इसमें डाल दिया। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब हम इसे ओपन करके देख लेंगे। इसमें तो बिना मसाले के ही दोस्तों आ गई। तो ऐसे भी मैं इसमें कोई मसाला नहीं डालने वाला, सिर्फ काली मिर्च और नमक डालूंगा। तो आप चाहें तो आप चटपटी मसाला डाल सकते हैं, मिर्च डालकर तीखा बना सकते हैं। तो मैं नहीं, तीखा ज़्यादा नहीं खाता, तो मैं मिर्च यूज़ नहीं करता हूँ। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मसाले में स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च। ये हमारा मसाला हो गया, तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें सोया सॉस भी डालेंगे। तो टमाटर से पहले सोया सॉस डालूंगा मैं अब। तो दोस्तों, 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस भी डाल दिया इसमें। पहले हम इसे लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अब जब सोया सॉस डाल देंगे तो कूल कर लेंगे। हमारा ग्रेवी रेडी हो रहा है और उधर पानी भी गर्म होंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट के बाद हमने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। तो अब टमाटर के साथ इसे पका लेते हैं। हमें इसका ग्रेवी रेडी करना है। एक्चुअली मैं ये लोकल स्टाइल में बना रहा हूँ, तो यहाँ के लोग ग्रेवी इसमें डालते हैं। तो मैं ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालूँगा। पानी में 1 कप डालेंगे। तो ये हमारा 1 कप पानी
ये सब पानी डालना हुआ है, उसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो दोस्तों हमने इसे 10 मिनट के लिए ढक दिया है, तो जितना आप स्लो फ्लेम कर सकते हैं उतना सही रहेगा, क्योंकि हमें अब इसे भी उबालनी है। हमारा इधर पानी में भी उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें चाउमीन का पैकेट डाल देंगे। तो दोस्तों हमने चाउमीन डाल दिया इसमें, तो ये चाउमीन 10 मिनट में गल जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकाते हैं, तो चाउमीन में ये आपस में ना सटे तो हम इसमें हल्की सी तेल डाल देंगे, और स्वाद बना रहे तो हल्का सा नमक डाल देंगे। तो इसमें हम तेल और नमक डालेंगे। तो दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं और आई थिंक हमारा ये भी रेडी है, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे हम जालीदार बर्तन में निकालेंगे पानी को निकालना इसे। तो दोस्तों इस तरह से कुछ निकाल लेंगे, और देखिए तेल डालने के बाद हमारा अलग अलग सा है, सटा हुआ नहीं है कोई भी, सारे अलग अलग हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं, 10 मिनट तो हो गया है, इधर भी इसका भी ग्रेवी रेडी है। तो आइए अब हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे, लोकल स्टाइल में बनाए हैं तो लोकल स्टाइल में ही आएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं लोकल में कैसे लोग सर्व करते हैं। तो दोस्तों एक प्लेट लिए और इसमें ये चाउमीन को इस तरह से रखेंगे, तो ये लोग इस तरह से ही दोस्तों खाएंगे, खाते हैं। तो अब ऊपर से हम इस पे जो हमारा ग्रेवी है इस पे डालेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रख देते हैं और फिर खाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा किर्गिस्तान के स्टाइल में चाउमीन, तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ये डिश को, और मुझे ज़रूर पीछे लिखिए कि कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिए और लोगों को खिलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।